हेलो दोस्तों, मैं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल इनको हिंदी में। 5 जुलाई रविवार के दिन इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने के अंदर ही लगने वाला ये तीसरा ग्रहण है। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। 5 जुलाई को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 से शुरू होगा और 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, दक्षिण यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने की बजाय अपने पूरे आकार में नजर आएगा। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा धनु राशि में होगा। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। शास्त्रों में उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य करने की प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि ज्योतिषविद थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की सलाह जरूर देते हैं। यह ग्रहण धनु राशि में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। खास बात यह कि इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। इस उपछाया चंद्र ग्रहण को धनुर्धारी चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक महीने के अंदर ही लगने वाला तीसरा ग्रहण होगा। 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था, 21 जून को सूर्य ग्रहण और अब 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिर्विद भूषण कौशल से जानते हैं कि 30 दिनों के अंदर चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल जाता है तो उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करती है तभी उसे पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण माना जाता है। उपछाया ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता। ज्योतिष में भी उपछाया चंद्र ग्रहण को दर्जा नहीं दिया गया है। यह ग्रहण चंद्रमा का उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसमें चंद्रमा पर केवल छाया की स्थिति रहेगी। इसमें किसी के लिए भी कोई भी सूतक के नियम नहीं लागू होंगे। पूर्णिमा की पूजा उपासना भी विधि विधान से की जा सकेगी। उपछाया चंद्र ग्रहण में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए और ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी का आपकी कोई भी राय तो हमें जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इनको हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके।